प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है वो करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है ज्ञात कीजिए 7/3 / 2, यानी क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट है 7/3 / 2। अब देखो इसमें एक भिन्न संख्या दे रखी है और उस भिन्न संख्या में एक पूर्ण संख्या का भाग देना है। अब देखो पहले इन सवालों को आप समझो किस प्रकार से करोगे। अपने को एक भिन्न संख्या दे रखी, जैसे मान लो कोई भी एक भिन्न संख्या ये है 1/3, जो संख्या बट्टों के रूप में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या। अब इस भिन्न संख्या में कोई भी यानी एक पूर्ण संख्या का भाग देना है। अब जैसे ये 2 है, ये क्या एक है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से चलती रहती है, तो इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या आपको एक भिन्न दे दी और उसमें पूर्ण संख्या का भाग देना है। अब देखो जैसे भिन्न है 1/3 और भाग किसका देना है, 2 का। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहला काम है ये जो भाग का निशान है इसको हम गुणा में बदलेंगे। समझ में आ गई ना, सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, जो अपने को भाग की संक्रिया दे रखी है उसको हम क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे। अब भाग के आगे वाली संख्या यानी जो पूर्ण संख्या दे रखी है उसको हम उल्टा कर देंगे। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, अपन भाग को गुणा में बदलेंगे, उसके बाद में भाग के आगे वाली संख्या यानी जो पूर्ण संख्या दे रखी है, या कोई भी संख्या दे रखी हो, पूर्ण संख्या हो या चाहे भिन्न संख्या हो या मिश्रित भिन्न संख्या हो, कोई भी संख्या हो, जो भी भाग के निशान के आगे संख्या है उसको हम उल्टा कर देंगे। समझ में आ गए ना। अब जैसे मान लो एक उदाहरण और बताता हूँ मैं, जैसे मान लो ये हो जाए आपके पास 1/3 / 2/5, अब ये संख्या है। अब इसमें अभी अपन इसी प्रकार से करेंगे, 1/3 सबसे पहले भाग को क्या कर देंगे, गुणा में बदल देंगे, और भाग के आगे वाली जो भी भिन्न संख्या या पूर्ण संख्या है उसको अपन उल्टा कर देंगे। अब देखो जैसे इसमें भिन्न संख्या है तो हर है वो ऊपर आ गया, अंश है वो नीचे आ गया, कहने मतलब इस भिन्न को अपन उल्टा कर देंगे। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की संख्या गुणा या नीचे नीचे की संख्या गुणा। और भी उसमें और भी अपने ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कोई भी संख्या अगर आपस में कट रही है ना तो उनको हमें काट देंगे, अगर संख्या नहीं कट रही है तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की संख्या यानी अंश अंश का गुणा और नीचे वाली संख्या यानी हर हर का गुणा कर देंगे। अब देखो इसमें जैसे पहला सवाल है 7/3 / 2, तो ये पहली भिन्न संख्या है इसको अपन इसी प्रकार लिखेंगे 7/3। अब क्या करेंगे, भाग को कर देंगे गुणा, गुणा में बदल दिया। अब गुणा में बदलने के बाद क्या है, भाग के आगे वाली जो भी संख्या दे रखी है उसको अपन उल्टा कर देंगे। जैसे 2 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया। अब इसके बाद देख लो ऊपर ऊपर की संख्या यानी अंश अंश का गुणा, नीचे वाली संख्या यानी हर हर का गुणा। तो 7 को 1 से गुणा करें कितने आएंगे, 7, और 3 को 2 से गुणा किया कितने आ गए, 3 × 6, ये आपका मान आ गया, यानी ये आपका उत्तर आ गया। अब देखो इसको अपना आगे और भी कर सकते हैं। अब ये 7/6 इसका मतलब क्या है, अभी 7 में अपने को 6 का भाग देना है, जो संख्या बट्टों में होती है उसका मतलब क्या होता है, भी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देना है। अब 7 में अपन 6 का भाग दें कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 × 6 = 6। अब 7 में 6 घटाए 1 शेष बचा, जो भी संख्या शेष बचती उसको अपन ऊपर लिख देंगे और नीचे जिस संख्या का भाग दिया है, यानी इसको अपन इस प्रकार आगे और भी कर सकते हैं, 1 से ही 1/6। आप यहाँ तक करोगे तब भी वो सही है, गलत नहीं है, लेकिन इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ इसके आगे ये और भी हो सकता है। अब देखो इसी प्रकार दूसरा है 4/9 / 5, तो सबसे पहले 4/9 है इसको इसी प्रकार लिखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, भाग को कर देंगे गुणा, यानी गुणा में बदल दिया। अब गुणा में बदलने का मतलब क्या हुआ कि जो आगे वाली संख्या है उसको अपने उल्टा करेंगे, तो 5 का उल्टा क्या होता है, 1/5। अब क्या करेंगे, अब यहाँ आप एक बात और ध्यान रखो, अभी इन संख्याओं जैसे मान लो ये दोनों संख्याएं कोई भी कट रही हैं या ये दोनों संख्या आपस में कट रही हैं या इस प्रकार से ऊपर नीचे जो भी संख्या आपस में कट रही है ना उसको काट दो, अगर नहीं कट रही है तो फिर क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की संख्या का गुणा और नीचे नीचे की संख्या गुणा। अब देखो ऊपर संख्या कौन सी है, 4 और 1, यानी 4 को 1 से गुणा किया कितने आ गए, 4,
नीचे संख्या कौन सी है, 9 × 5 या 9 को 5 से गुणा करें, 9 × 5 = 45, इसका मान कितना आ गया, 4/45। अब देखो इसमें अपना आगे और कुछ नहीं कर सकते कि ऊपर वाली संख्या क्या है, छोटी है। अब इसमें देखो ऊपर वाली संख्या बड़ी थी तब तो अपन ने भाग दे दिया, अब ऊपर वाली संख्या छोटी इसका भाग जाएगा नहीं, नहीं ये संख्या आपस में एक पाड़े से कट रही है, तो इसका आंसर क्या है, इतना ही आ जाएगा। अब देखो इसी प्रकार तीसरा है, तीसरे में क्या दे रखिए, 6/13। अब इसके बाद में भाग उसको अपन किस में, गुणा में चेंज कर लेंगे। अब भाग के आगे वाली संख्या उसको अपने उल्टा कर देंगे, यानी 6/13 × 1/7। अब देखो कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रही है तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का यानी अंश और अंश का गुणा और नीचे यानी हर और हर का गुणा, तो 6 को 1 से गुणा किया कितने आ गए, 6, और 13 को 7 से गुणा किया कितने आएंगे, 13 × 7 = 91, इसका मान कितना आ गया, 6/91। दोस्तों अगर आप आरएएस के प्री और मेंस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है आरपीएससी आरएएस फाउंडेशन बैच कोर्स 2022, जहां आपको एक वर्ष के अंदर आरएएस के प्री और मेंस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करवाई जाएगी। लाइव क्लास के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स और वीकली टेस्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो इसके लिए आप आज ही प्ले स्टोर पर जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहां पे रजिस्टर हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेज को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड जोबित पीडी का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं, तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर। अब इसी प्रकार आगे, अब देखो इसमें ये जो मान दे रखा है ये भिन्न, जैसे इन तीनों में क्या है भिन्न के रूप में था, और ये क्या है मिश्रित भिन्न है, समझ में आ गया ना, यानी सही बटों की संख्या है, सही बटों की संख्या बोल दो या मिश्रित भिन्न बोल दो एक ही बात है, तो इसको मिश्रित भिन्न को अपन क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे, तो भिन्न में बदलने के लिए अपन किस प्रकार से करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा, यानी 4 को 3 से गुणा किया, 4 × 3 कितने हो गए 12, अब उसमें ऊपर वाली संख्या यानी अंश एक जोड़ देंगे तो 12 × 1 कितने हो गए 13, 13/3, यानी इसका भिन्न के रूप में मान कितना हो जाएगा, 13/3 हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 13/4 और भाग क्या है 3। अब देखो यानी सबसे पहले अपन क्या मिश्रित भिन्न उसको भिन्न के रूप में बदल दिया। अब देखो ये जो सवाल है ना, ये जो पहले वाले 3 पार्ट है ना उसके जैसा ही हो गया, अब आगे वाले वही क्रिया करेंगे, तो ये 13/4 भाग को अपन किस में, गुणा में बदल देंगे, गुणा में बदलने के बाद भाग के आगे जो संख्या है उसको भी उल्टा कर देंगे, तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/3। अब देखो कोई भी संख्या आपस में कट रही है क्या, नहीं कट रही है, क्या करेंगे ऊपर ऊपर का गुणा, यानी 13 को 1 से गुणा किया कितने आ गए 13, और 4 को 3 से गुणा किया कितने आ गए 4 × 3 = 12, अब ये आपका आंसर आ गया। अब देखो इसमें आगे आप और भी कर सकते हो, भाई 13 क्या है बड़ी है, जब अंश का मान बड़ा हो ना तो हर का भाग जाता है, यानी 13 में 12 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा 1 बार, यानी 12 × 1 = 12, भाग कितनी बार गया 1 बार गया, शेष कितना बचा 13 में से 12 घटा 1 बचा वो ऊपर लिख दिया और बट्टा में 12, इसका मान ये भी आप लिख सकते हो, या यहाँ तक भी आपका ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके आगे आप करना चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो। अब देखो पांचवा, जिस प्रकार से अपन ने चौथा किया था उसी हिसाब से पांचवा है, अब इसमें भी क्या है ये जो भिन्न है ये मिश्रित भिन्न के रूप में है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे, देखो 3 को 2 से गुणा 3 × 6 = 1 कितने हो गए 7, यानी ये भिन्न क्या आ जाएगी 7/2, तो सबसे पहले इसको भिन्न के रूप में लिख लेंगे 7/2 भाग आगे कितना है 4 और 4 लिख दिया। अब इसको अपन भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे, तो ये 7/2 भाग को किस में, गुणा में बदल लिया, गुणा में बदलने मतलब आगे वाली संख्या को उल्टा करेंगे, ठीक है, तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/4। अब देखो कोई संख्या आपस में कट रही है क्या, नहीं कट रही है, यानी ऊपर ऊपर का गुणा, तो 7 को 1 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 7, 2 को 4 से गुणा किया 4 × 8, ये इसका आंसर आ गया।
सात बटा आठ। अब देखो इसी प्रकार इसका आखिर वाला छठा, अब यह भी इसी प्रकार से, इस प्रकार चौथा और पांचवा, तो उसी तरह इसमें भी क्या एक मिश्रित बिंदु दे रखी है, यानी सही बट्टों की संख्या दे रखी है, जिसको अपन सबसे पहले क्या करेंगे बट्टों के रूप में बदल देंगे, यानी भिन्न संख्या के रूप में। तो भिन्न संख्या रूप में इस प्रकार से बदलेंगे, चार को सात से गुणा करेंगे, सात सौ अट्ठाईस, अट्ठाईस में तीन जोड़े उनतीस, तीस और इकतीस, ये कितना आ गया इकतीस बट्टा सात, यानी इसकी भिन्न कितनी आ गई इकतीस बट्टा में सात। आगे संख्या दे रखी है भाग सात। अब इस दूसरी स्टेप में क्या अपन इस भाग को गुणा में बदल लेंगे, तो ये क्या इकतीस बट्टा सात, ये तो इसी प्रकार रहेगा इकतीस बट्टा सात। अब भाग को किस में गुणा में कन्वर्ट करेंगे, तो गुणा भाग के निशान के आगे वाली संख्या उसको उल्टा कर देंगे, तो सात का उल्टा क्या हो जाएगा एक बट्टा सात। कोई भी संख्या दे रखी उसका उल्टा करेंगे, यानी एक बट्टा सात, ऊपर एक लगा देंगे तो वो संख्या क्या है उसकी उल्टी हो जाएगी। अब देखो इसमें 31 को 1 से गुणा करें कितने आ गए 31, और 7 को 7 से गुणा किया सातो सती गुणचास, क्योंकि इन दोनों में कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रही है, तो अपन क्या करेंगे ऊपर ऊपर की संख्या गुणा कर देंगे, नीचे नीचे की संख्या का गुणा कर देंगे। यानी इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है भी कोई भी भिन्न संख्या हो उसमें पूर्ण संख्या का अपन भाग देंगे, तो क्या करेंगे जो भाग का निशान है उसको गुणा में बदल देंगे, और भाग के निशान के आगे जो संख्या है ना, चाहे पूर्ण संख्या हो चाहे भिन्न संख्या हो, उसको अपन व्युत्क्रम कर देंगे, उसका उल्टा कर देंगे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर तीन जो है कंप्लीट। आगे वाला क्वेश्चन नंबर चार है वो अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।